बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मौजूद हैं हम इस वक्त शोरकोट में और ग़ुलाम हुसैन काठिया साहब की छत पर और माहौल आप देख रहे हैं। उमर साहब आप कबूतर दिखाएं, बातें चलती रहेंगी। और ये कबूतर नीचे आए हुए हैं और ये आप मनाजर देख रहे हैं। मेरे साथ बड़े सीनियर उस्ताद मेजर इमरान साहब मौजूद हैं और फेमस शख्सियत हसन लाली साहब मौजूद हैं। आप ऊपर रखें, आप ऊपर रखें, आप कबूतर देखें, हम आपको कहानियां सुनाएंगे। और शुरका मिठू भाई भी आए हुए हैं और इस वक्त टोबा की कमेटी भी एक आई हुई है और बंदा नाचीज़ भी यहाँ पे मौजूद है और आपको शौक दिखा रहे हैं और इस मनाजर दिखा रहे हैं आपको। ये हैं जी इस वक्त आपके सामने, अब आए हैं सूट के नीचे। हाँ जी, ये नीचे आए हैं और पहले तो काफ़ी नीचे आ गए थे, यूँ लगता था कि बैठ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल पंजे लगा रहे थे, लगता था कि ये बैठ जाएंगे। और इस वक्त दो साहब आपका भी एक मंदिर दिखाते हैं, कर रहे हैं। हाँ जी, और अब ये ऊँचे हो रहे हैं दोबारा, बिल्कुल उमर साहब इधर दिखाएँ। ये पंजे लगा रहे थे और मुझे ख्याल ये था कि शायद एक मिनट के अंदर ही ये सारे बैठ जाए, पर एकदम अब ये दोबारा ऊंचा होने शुरू हो गए। पंजे तो नहीं लगा रहे थे, ये नीचे नीचे आए थे, तकरीबन आ गए थे। कौन एक बजे तक चमक में रहे, बिल्कुल आ गए। मेजर साहब पंजे तो वो होता है जो छोड़ दें, तो हम तो यही कहेंगे ना कि हमारे आ गए। बिल्कुल भाई, एक फुट उतार पर आ गए, उतार पर आ गए। मेजर साहब वो तो इसी तरह ही है, अब ये ऊंचे हो गए। और टेक्निकल चीजें होती है ना, फिर लोग जबाने बहुत पकड़ते हैं ना, आपको पता तो है। जब तक इनकी टंकी फूल है ना, शादी इन्होंने नहीं बैठना। अच्छा, इनके होटे में आधा आधा पाव माल खाया हुआ है ना, ठीक है ना। मेजर साहब एक नहीं जाना, जब तक माल हाँ खाली हो जाएगा। ये थोड़ा सा उम्र देखे ऊंचे हो गए हैं। हाँ जी, हो गए तो आए। मिठू भाई को भी बुलाया था, मिठू भाई मौजूद है। दोस्तों शोरकोट, शोरकोट में पहली एंट्री और ग़ुलाम हुसैन काठिया साहब। जगह कैसी ये बताएं। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त माहौल और बिल्कुल सेंटर में डेरा है चारों तरफ। मेरे ख्याल में 7-8 किलोमीटर करीब तक कबूतर भी नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई कबूतर नजर नहीं आ रहा। फसलों के दरमियान डेरा है जी ये, और उस दरमियान कबूतर आपको हमने दिखा दिए हैं। एक का टाइम है और फिर वापस हो गए। हाँ जी, ये ऊँचे हो रहे हैं, अब फिर ऊँचे हो रहे हैं। और 1 बजे के बाद ये नीचे आए, 1 बजे के बाद ये आए नीचे, नीचे लग के फिर ऊपर जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। ये मेरे ख्याल में अभी आए हैं, फर्स्ट नीचे आए, नीचे आए हैं जब सुबह से उड़े थे, अब नीचे आए हैं। हाँ जी, बिल्कुल इतने नीचे ही अभी आए हैं, बिल्कुल अभी आए हैं। ये तो इतना नहीं आए थे, यानी मुझे तो यूँ लगता था कि ये एक आधे मिनट के अंदर बैठ जाएंगे। हमें मुझे ये यूँ लगता था। अब ये सीनियर उस्ताद है, इनका एक अपना व्यू था, यानी कह रहे होते ये था कि बिल्कुल वो जिसके अंदर बिल्कुल आखिरी गेड़ा, आखिरी गेड़ा चल रहा था जी, मेरे मुताबिक तो आखिरी गेड़ा चल रहा था। और उसमें उसके बाद उन्होंने दोबारा ऊंचे होना शुरू हुए और फिर देखते ही देखते वो दोबारा जहाँ बुलंदी को लगे हैं। और इस वक्त हम सुबह से ही मौजूद है, तकरीबन 9:15 के करीब मेरे ख्याल में हम आ गए यहाँ, 8:30 8:30-9 के दरमियान हम यहाँ पहुँचे, 8:30 आप पहुँचे हो गए। तो उस वक्त से मुनसिफ के साथ हैं और यहाँ पे शौक दिखा रहे हैं और पहली दफ़ा ये लाइव हुए हैं। और उम्मीद है कि शाम तक आपके लिए दुआ करो, शाम तक उड़ने मुझे तो ये चार से पहले बैठते नहीं रहता। मेरे साहब क्या प्रेडिक्शन है आप? मेरे इसलिए कि इनकी टंकी फुल है, टंकी खाली होगी तो बैठेंगे, तो शाम से पहले खाली हो जाएगी। नहीं, मुश्किल है, मुश्किल है। मेरे साहब ये तारे देखेंगे? तारे तो नहीं देखेंगे, मगरिब देखेंगे इंशाल्लाह। नहीं, ये बात है कि ये कबूतर का दो कबूतर, नहीं नहीं, अब ये थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए ना, अब मुझे उड़ रहे हैं ना, उड़ रहे हैं इन पे, आप कंफर्म कोई बात नहीं कर सकते कि ये शाम तक ही जाएंगे। सर एक राय देखिए, राय का अपना हक है, उनको अपना रख के आप अपनी राय दीजिए। वो तो देख रहे हो मेरे साहब, वो अपना गेस कर रहे हैं, आप अपना गेस कर रहे थे, आपके गेस में बैठने लगे थे। अब सबका मुख्तलिफ है, और सबका मुख्तलिफ है। हां जी, क्योंकि छत ओपन है, पहले भी मेरे ये है कि बैठते रहे। जो आज का दिन है ना, आज का दिन
थोड़ा सा पहले दिनों से हार्ड ठीक है। जो चेतर की कबूतरबाजी होती है ना, इसमें ना खुराकें वगैरह काफी होती है कबूतरों में। अगर कोई बच्चा भी खुराक थोड़ी सी ना टोलेगा तो बैठ जाएगा। अगर हजम कर गया क्या ऊपर छत पे चले जी, चलेंगे। जी टाइम टाइम पे दे रहे हैं। ओ अल्लाह दा काम मानो, ये घड़ियां सारी हर बंदे को टू टाइम ये सारे रेत पेशाब करे ना, इधर निकलता भी है ना। नहीं भाई ऐसा नेत कड़े इधर आई है। दुरा वादा दी जो प्रोडक्शन है ना उन तो लाइट ला है इंशाल्लाह। ये हम हर रोज ऐसे मामला देखते रहे। इसमें से एक बैठेगा अगर बैठा था ना, अगर एक बैठा नहीं एक या दो नहीं बाकी नहीं नहीं फिर मैं अच्छा हो सकता है हाँ। आपकी भी बात ठीक है मगर एक तो इसमें बैठेगा ही बैठेगा, कोई भी बैठ ले। अच्छा आप सीनियर बंदे हैं, मेजर साहब को देंगे यार चेयर दे। मैं खुद नहीं नहीं मैं है इधर, चेयर तो है कोई मसला नहीं। अच्छा चलें अब आपकी प्रेडिक्शन चेक करते हैं। ये आ गए जी, एक पर हल्का हल्का चला रहा है, इसको कह रहे हैं आप? नहीं नहीं अच्छा एक बैठेगा डॉन्ग से अगर बैठा तो उसका माफी मिला। जी ये कबूतर नीचे आए हुए हैं गुलाम हुसैन काठिया साहब के, आप देख रहे हैं इस वक्त शोरकोट में। हाँ जी इस वक्त नए रंग में उड़ रहे हैं जी, एक नया चीज दिखा रहे हैं लोगों को आज हम, और कुछ हैरानकुन मनाजर हैं और कबूतर पर भी के नए रंग हैं। जी दोस्तों जुलेखा के कंट्री वाला कुछ हैरान कुन मनाजर आप लोगों के सामने, गुलाम हुसैन काठिया जिनकी छत लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई थी उससे आपकी खिदमत में बराह रास्त है। और ये 1 2 3 4 5 6 ये 6
और ये देखे अब थोड़ा सा उम्र आप इसमें से निकले या आप इधर बैठ गए आज इधर आ जाए इधर बैठ गए मेरे सब क्या प्रेडिक्शन करेंगे मारे आप तो हट जाएंगे शादी अब क्या वो बेशक आधे घंटे के बाद दोबारा आ जाए अच्छा मुझे अब लगता है कि भी थोड़ा सा ये सुंदर तेज कर गए क्योंकि दो ऊपर वाले इनसे ज्यादा हट गए उस्ताद बोलना नहीं है देखो सिर्फ आए उस्ताद बोलना नहीं है आपने लाइव चल रहा है बोलना नहीं है कहते आप हमें फिर 20 बच्चे भेजे वो भी ऐसे हो जाएंगे उस्ताद देख रहे हैं आप बस देखो बोलना नहीं बाहर से अरबी हाँ जी उस्ताद अहमद कंबर साहब हैं जी मेरे साथ लाइव अहमद कंबर साहब से कहें आप हमें 50 बच्चे भेजें वो भी ऐसे उड़ेंगे अच्छा हाँ। कोई नहीं वो भी दिखाते हैं अभी उस्ताद पहले ये देख लो मंदिर देख लो ये छात्र चले गए उस्ताद उस्ताद ये आपको शौक दिखा रहा है अब हम बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा है आपने भी कैसा फोन किया बहुत अच्छा वाला अभी दिखाता है आपको ये देखो ये देखो उस्ताद देख रहे हो ना ये कह सकते हैं कि धांगी वाला नीमी वाला खेल पानी आप कह सकते हैं कबूतर नहीं कह सकते अच्छा ये बात करें उस्तादी क्योंकि आपकी बात को लोग समझते हैं पूरा पाकिस्तान आपसे मोहब्बत रखता है आपको जानते हैं आप ये कह सकते हैं कि भी इनका खेल पानी आप पट्टी वाले कह सकते हैं बस उस्ताद अब देखें फिर थोड़ी देर में बात करता है आपसे ओके ये पूरी दुनिया देख रही है जी इस वक्त हम बराह रास्त हैं और वो फोन उधर उम्र का बजने लगा हुआ है इधर से ये व्हाट्सएप शुरू हो गया और मिठू भाई ना तशरीफ ले आए ना थोड़ी सी गपशप भी तो होनी चाहिए बात बंदा कोई नहीं अंदर बाहर निकले इसका नुकसान ये जो कबूतर जिससे खुराक खाते हैं उसे तो वैसे ही बाहर नहीं निकलना चाहिए यकीन करें मिठू भाई दिलचस्प नजर नहीं है बहुत ज्यादा क्या कहेंगे माशाल्लाह कबूतर सामने फिर आए हुए अब देखना ये है ये बैठेंगे या वापस जाएंगे अच्छा 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 ये 1:30 बजे 2 बजे आ जाते थे पहले भी अच्छा नीचे सामने अच्छा उसके बाद घूमते फिरते हैं मगर आज कुछ ज्यादा ही थके लग रहे हैं थके थके लग रहे हैं अच्छा फिर नीचे अच्छा आज नजर में भी आए हुए हैं हाँ आज प्रेशर में भी उड़ रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं अच्छा क्या प्रेडिक्शन किया है अब तो छत मालिक कह रहा है कि जी ऐसे ही करते हैं नहीं ये बैठ समझ में आज नहीं आ रहे नहीं आ रहे बैठ सकते हैं आज ये ज्यादा ज्यादा बच्चे इस तरीके से मेरा अंदाजा है बाकी हो सकता है कि मैंने पहले प्रवास देखा पहले पहले इतनी दफा ये नीचे नहीं आए जैसे वो बता रहे थे गुलाम हुसैन काठे कभी इतने ज्यादा नीचे नहीं आए अब जरा है ओवरटर्न है चक्कर गलत लगाएगा दूसरा साथ खुद हो जाएगा ठीक है क्योंकि डोज ओवर उन्होंने की हुई है छापे भी लगा रहे हैं बीच में अगर ये उठ के चमक में फिर आप जाए ना तो फिर उठ सकते अच्छा नहीं नहीं ठीक है अच्छा बर कोई पता नहीं है जी अब देखते हैं क्या आप बैठ सकते हैं अभी जो अच्छा दिलचस्प नजर नहीं है बहुत है जी एक नया एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल है जी अगर ये इस तरह के है ना आठ
आठ एक ही जहन पे है। अच्छा, कुछ कर भी सकते हैं तो बैठ भी सकते हैं। जो आपको पहले बताया कि कन्फर्म बात आप जो कहे ना, अच्छा, नहीं हो सकती। अच्छा, आज मौसम भी जरा पहले से हार्ड है। अच्छा, और अगर कुछ भी इधर जो भी कबूतर घूमता फिरता है फिर उसकी वो खुराक का हाजमा जरा अच्छा नहीं रहता। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब ये नहीं जी, वो नहीं बैठने देंगे। नहीं, हसन साहब नहीं बैठने देंगे। हसन बैठ जाना, मुझे पता है। नहीं जी, आज हम भी नहीं। एक बच्चा अपसेट था, एक बच्चा रात रह के आया था ना, तो फिर अगले दिन वो बैठा है 7:19 पे फिर बैठा है। अब ये जो अरे एक ही बाना है बाकी इनका कॉन्फिडेंस। अच्छा शाह जी, चमक में जाएंगे दूड़ेंगे। हसन भाई आप भी कोई राय दे दें। आप देखते हैं क्या बनता है, मुझे तो लगता है बैठ जाएंगे जिस तरह के। अच्छा आठ है भाई, बड़ी दिलचस्प मरला है इस वक्त, और इसलिए भी मर रहा है कि ये ना हर एक एक सस्पेंस भी है इस वक्त। असल में ये पहले कभी इस तरह आए भी नहीं ना। अच्छा, जो ये बता रहे हैं बहुत कम कहते हैं, एक आध बजे आए तो फिर चले गए तो फिर लंबे उड़े। अच्छा, मगर इस दफा जैसे ये आए दो दफा आ चुके हैं, तीसरी दफा, और तीसरी दफा है, तीसरी दफा आए हैं, और फिर दिन भी थोड़ा धूप वाला, धूप पसीना, पहले ये है कि जरा बादल छादल रहे, नमी रही है तो उसमें जरा छिड़ा हुआ कबूतर उड़ भी जाते हैं। मेरे साहब उस वक्त में ये स्टार्टिंग में यही कहा था कि ये यहाँ तक आ गए थे, आपने कहा था कि नहीं तो बड़े भाई, वो इसमें ये लगता था कि भाई अगर ये इनकी टैंकी फुल है पुरबाश तो फिर कबूतर लंबा उड़ जाता है। अगर हसन बैठ गया तो बाकी तो मसला खत्म हो गया, बाकी साथ आ गया। अच्छा, ये वाला तो बैठ जाए क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है। एक दो तीन तीन चार चार, एक बज के 31 मिनट चार बैठ गए। हाँ जी शाह जी, बताए फिर आज क्या कहा था मैंने पुत्र, तेरे सामने आ रहा रिजल्ट कोई है? ये चारों भी बैठ जाते मुश्किल है, कोई उठ के ऊपर गया तो बच्चे वो थोड़ा बहुत घंटा एक और उड़ जाएगा ज्यादा ज्यादा यही लगता है। ऐ बच्चे बच्चे पहले लिखाओ ना, जेड़े जेड़े बच्चे बैठे थे फिर ये रहे को थलू उड़ के जावे फिर। हाँ जी, फिर नंदे नाल मिल जावे, पहले ये बच्चे दसो केड़े केड़े। ओए अमजद ऐसा मां लाखा ओ नहीं सर, मेरी गल सुनो, एक मिनट दो मिनट बैठे रहे, ओ पर्चा ला पर्चे ओ दे ले आओ, तुसी बैठ जाओ, तुसी बैठ जाओ, पेपर ले यही पे ले। हां पे तुसी टाइम नोट कर लो, सेकंड नोट कर लो ना, एक ही कर लो, एक ही टाइम कर लो सारे, कोई 50 सेकंड। कमर को घंटा डेढ़ दो उड़ना चाहिए, ये कुंदा ठीक चला रहे हैं। अगर डेढ़ दो घंटा उड़ लेते हैं, तीन घंटा उड़ लेते हैं, फिर इधर जो कुंदा खींच के मार रहे हैं, कुंदा ठीक चला रहे हैं। उनकी आदतें जो थी ना, जो मैंने आपको बताया है ना, वो बच्चे ने जो मुँह खोला उसी वजह से खोला, वो हजम नहीं हुई ना, खराब फोटा गर्म हो गया। चार बैठ गए जी और चार उड़ रहे हैं, उस्ताद गुलाम हुसैन काठिया की छत पे मौजूद है जी इस वक्त, और चार बैठ गए और चार। अच्छा दो मिनट और, दो मिनट चले गए ऊपर चले गए आप, फिर ठीक है फिर रात ही टाइम देना। बकवास बंद कर, घंटा तेरे गल ही सुनता जी। दोस्तों चार बैठ गए हैं,
और चार ऊंचे हो गए हैं और देखते हैं। और दिलचस्प मनाजिर इस लिहाज से थे कि सीनियर उस्ताद और मेरे लिए भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस। मेरे साहब वैसे तो डिफरेंट नहीं था, हाँ वैसे तो हम कह सकते हैं ना, हवाई वाले जो काबली कबूतर उड़ते हैं या जो हवाई कबूतर उड़ते रहे ना, उसमें थोड़ा सा ये है कि थोड़ा डिफरेंट लगा है, इसलिए कि भी अक्सर ऐसा होता नहीं। अब मुझे इनकी पहली परवाजों का पता नहीं कि ये पहले कैसे उड़े हैं, अच्छा आज जो उड़े हैं क्या पहले में भी ऐसे उड़े, दूसरी में भी या तीसरी में भी, अच्छा मगर आज ये जिस तरीके से उड़े हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट उड़े, मगर ये कभी चार आठ थे चार बैठ गए, पहले छह आ गए फिर दो ऊपर फिर इकट्ठे हो गए यार बच्चा ख्याल वाला बैठ गए, मगर यह कि आज मौसम में थोड़ी हिद्दत है पहले की नस्बत, तो उस वजह से भी ये कबूतर जल्दी बैठ गया। माँ जी की जो नमी वाले दिन होते हैं ना, नमी वाले दिन इसमें धूप चुभती नहीं है, इसमें और स्टाइल होता है और ऐसे स्टाइलों में और होते हैं। मैंने आपको जब देखे हैं पहले, मैंने आपको क्या बताया, आपने कहा कि 7 बजे से पहले नहीं बैठने, मैंने आपको क्या बताया देख कर, मैंने आपको कहा कि कबूतर छत मालिक ने कहा जी तीन, उसने ये कहा कि मेरे शाम में बैठेंगे, और मैंने आपको कहा कि आज लग नहीं रहा ये कबूतर उड़ेंगे उस हिसाब से, ये बताया ना, हाँ ये नहीं आपका एक्सपीरियंस जीत गया, मैंने कहा कि नहीं कहा आप ये नहीं कबूतर उड़ेंगे, मैं उनका स्टाइल देख चुका था कि कबूतर आज थके हुए थोड़ा से, वो बस सर हमारे काबलियों से थोड़ा सा डिफरेंट नहीं, यानी जैसे ये जो मंजर हम अकेला इलाका है, अच्छा पास में ये अढ़ाई तीन महीने से बच्चे उड़ रहे हैं, अच्छा और एक युद्ध बना के उड़ रहे हैं क्योंकि साथ साथ कोई और कबूतर ही नहीं है ना, ठीक है इवन लगड़ भी नहीं है, ये एक अब ये चमक में खड़े रहे ठीक है, नीचे आए दो इन्होंने कोशिश की ऊपर नीचे होने की बैठ गए, ठीक है कबूतर नहीं आ जाते सामने जेठ में, 11 कबूतर सामने होते हैं, 10 कबूतर सामने अगर सामने ये अब ऊपर से 3 बजे एक और शादी है, अगर ये कबूतर अब ना बैठते, इनका बैठने का मकसद है कि ये हवाई कबूतर है, अगर होते ना दूसरे अब वो चले जाते, वो चले जाते हैं, वो 10 दफा नीचे आते हैं और 10 दफा ऊपर चले जाते हैं, हाँ ये तो अभी इसमें एक दो ये हवाई कबूतर थे काबली थे और 2 दफा इन्होंने आए और 3री दफा इनके भी जवाब देंगे, अगर इनकी जगह दूसरे होते हैं। कबूतर चार देखे आप, ये चार कबूतर कभी ऐसे दिखाए, एक कबूतर आपको एक और पॉइंट बताऊं, चले गए इन कबूतरों ने एक चक्कर भी गई घर से पैर मारा है, हाँ ये तरी है ये यूं छत में, हाँ लंबे नहीं गए छत पे रहे, पट्टी वाले का काम ये होता है कि लंबे उड़ना, लंबे लाजमी लंबा उड़ेगा, पट्टी वाला साथ साथ हमारे पास बैठे, हमारे साथ 2 मिनट ये हमारे इलाके में हम जब स्टार्ट कर रहे थे शौक, ये वहां कबूतर उड़ाते थे और बहुत अरसा पहले ये कबूतर पट्टी वाले उड़ाते थे, तो आज ये टूर्नामेंट के सदर भी हैं, ठीक है मान साहब 2 मिनट प्लीज कर लिया आप आगे आए आगे चेयर लेकर अच्छा जी उस्ताद जी आप अपनी ईमानदारी से अपनी राय पेश करें, आप पट्टी वाले के उस्ताद है, अच्छा कबूतर छेड़ना नहीं, मैं शाह साहब ने कबूतर और भी खाने, जरा कबूतर छेड़ने चले बैठो आ जाओ जरा जी मिठू भाई, जो पट्टी वाले कबूतर होते हैं आपने बहुत शौक किया है, बहुत अरसा शौक किया है, 2017 से मैं इधर चीमे साहब के पास आया हूँ, इधर देसी वाला को शौक हाई फ्लायर के किया है, तो पहले हम पट्टी वाले उड़ाते थे, अच्छा जो पट्टी वाले कबूतर है ना शाह साहब वो गोल नहीं घूमते, अच्छा वो जैसे ये नीचे आकर एक दफा डर गए हैं ना, तो इनका हक बनता था ये 4 किलोमीटर दूर चले जाते, 3 किलोमीटर कम से कम 8-10 एकड़ तो लाजमी जाते, अच्छा फिर उधर से आते तो आगे चले जाते, ये आगे घूम कर उड़ते हैं पट्टी वाले कबूतर जो, तो हम तो इस फैसले में नहीं है, हमें तो हमने स्टैंपें भी खुद लगाई है, ये सिगरेट आप प्लीज साइड पे कर दो, स्टैंपें भी खुद लगाई है हमने, ये कबूतर हमें तो वो नहीं लग रहे जो एलिगेशन कैसी है जी, 31 और हमारा ये भी है, इधर हमने स्टैंपे लगाई हैं तो पूरे ग्रुप में ये इनके कलर जो है ना वो चले गए हैं, किसी भाई ने हमें नहीं बोला कि हमें कोई इशू है, हम बकायदा तौर पे नीचे वॉइस भी करते हैं कि जिस भाई ने जिस कबूतर का इतराज करना है ना वो ग्रुप में खुद आकर बताया कि इस कबूतर पर इतराज है, किसी ने नहीं 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 अभी हम कबूतर देखेंगे अभी हमने, क्योंकि दिन में ये बैठ गए हैं, अब दिन में बड़ा ऐसा क्लोजली शौक बड़े सीनियर देखे, हमने जाना है बात की तह तक, सही इस है। वक्त ये ना एक हॉट इशू बना हुआ है, ये नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं हो रही जी। कि जी कि कोई 2 नंबरी की बात हो रही है या कुछ,
ये इस वक्त एक देखे ना, मैं बिट्टू भाई ने भी यही कहा, मेजर साहब ने यही कहा, मैं भी यही कहा, एक मुनफरद था, ये पा गए, ये देखो, ये एक मुनफरद तजर्बा, ठीक है, एक मुनफरद अंदाज, काबड़ियों में हमने ऐसे नहीं उठते। परसों शाह जी मैंने इधर विजिट भी किया है, मुनसिफ भी मौजूद है इधर, इनसे पूछ लो, जब मैं इधर आया हूँ तो ये बिल्कुल बारीक सी चमकार में नजर आ रहे थे। परसों तकरीबन मैं 1:30 बजे के करीब इधर छत विजिट करने आया हूँ2012 में कबूतर छनियों से चमन आवास क्योंकि मिठू भाई मुझे मिले हैं इधर, नासिर सोज साहब भी बैठे हैं, सबको पता है दीपक और मल्हार उनका नाम रखा गया था, इनके इलाके में मैंने छोड़े थे जाकर, और चमन आवाज से हमें फोन आ जाता कि आपके दो कबूतर जो है ना दीपक और मल्हार इधर करते हैं। अच्छा चलिए, उधर से आते हैं तो फिर की तरफ रोक कर जाते हैं। ये यहाँ पे अब अभी ऊपर गए, अब ये फिर नीचे आ गए जी, ये आठों कट्ठे फिर रहे थे जी, ठीक है, हम कतई नजर इस छत को छोड़ दें, आप सही है, किसी भी चीज को छोड़ दें, ये वैसे इसलिए मुनफरद चीज हो रही है। देखिये कबूतर परवरी में जितनी जिद्दत आ गई है, जो चीजें आ गई हैं, जब बहुत सारे खेल पानी आ गए हैं, ये एक नजारा उस सिलसिले में भी देखने में आया, देखने में, ठीक है। देखिए हम हमारा काम कोई नेगेटिव बात नहीं करना, हमारा काम ये है कि एक नए माहौल को एक नए लोगों के सामने पेश करना, ठीक है ना। आपसे आप पट्टी वाले उड़ाते थे, आपसे हमने लिया जी शाह साहब, इसमें ये जो कबूतर बने हुए हैं ना, ये इधर जो पट्टी वाले भाई कबूतर उड़ाते हैं ना, इनकी जो ट्रेनिंग है हम ये मानते हैं बिल्कुल वही पट्टी वाले कबूतरों जैसी है, मान रहे हैं ना जी, यही यही इसमें इशू नहीं, मैं कुछ और कर रहा हूँ, देखे ना लोगों के जिंदगी में जो इशू बना हुआ है, लोगों के जहन में जो आ रहा है, जो इशू बना हुआ है ना वो यही बना हुआ है, क्या हम उसको आज क्लियर कर पाएंगे, सवाल ये है। बिल्कुल हम मानते हैं, आपने कभी देखा, मैंने इधर शागिर्दों को भी बताया है कि बिल्कुल इनकी ट्रेनिंग जो है, ये पानी भी तकरीबन 20-25 सीसी लेकर उड़ते हैं, ये रिहायश भी लेकर उड़ते हैं, इनको पहले फिरतों में इन्होंने डांटा हुआ भी इस तरह है जिस तरह हम पट्टी वाले को डांटते हैं। शाह जी जो कबूतर होते हैं ना टेडी गोल्डन, हाँ जी, आप लोगों को पता ही है, आप मदीना मुनव्वरा में या मक्का में जाएंगे आपको जांगली के साथ कबूतर मिलेंगे, और जब कबूतर उड़ेंगे ना जांगली, वो गोल्डन टेडी उनके साथ ही जाएंगे। अच्छा, उनके साथ अभी देखिए आप सारे दो जाते उम्र करने माशाल्लाह जाते सब देखते हैं, वो उनके साथ ही जाएंगे, और जो ये कबूतर हमारे आवारा हो जाते हैं उन जंगलियों के साथ, देखो लॉन में बड़ी परवाज में होता है, और उनके साथ होगी उनका स्टेयर वो जंगली वाला होगा, क्या वो कबूतर जंगली तो नहीं है ना, उसमें असील देसी कबूतर है, टैडी है, गोल्डन है, वो आदत कर जाते हैं, हवाई कबूतर है ये कबूतर। अब जो बना गए थे 8 बच्चे, ठीक है, 8ों ने इकट्ठे फिरना, ठीक है, बाकी आप देखेंगे मजीद जो दोस्त देखेंगे, जो कानून भी है पट्टी वालों का इस तरह के ना उस तरह का ये है भी नहीं, ठीक है, अब देखेंगे। पहले तो हमने ये देखना है ना, साबित करना है कि कबूतरों को देखकर क्या इनमें कोई क्रास है या नहीं है, शक्ल और मुशाबत से कैसे लगते हैं। आपने मेरे साथ बहुत अच्छा सवाल किया, सवाल इससे हट गया हुआ है, यानी लोगों के जहन का, लोगों के जहन का हट गया, सवाल ये बन गया कि ऐसे क्यों उड़ रहे हैं, ये जो स्टाइल है ये क्यों उड़ रहे हैं, वो पट्टी वाला स्टाइल आ गया तो लोग अब ये देखते हैं स्टाइल, देखते हैं कबूतर नहीं देख, कबूतर नहीं देख रहे, ठीक है ना, लोग इसमें ये कह रहे हैं कि ऐसे क्यों उड़ रहे हैं, सवाल का जवाब हम जो ढूंढ रहे आए हैं। ट्रेनिंग का फर्क होता है, ट्रेनिंग ना, ट्रेनिंग और खेल पानी। अफ्ताज शेख हसनैन हैदर साहब जो है ना, मैंने उनके बारे में बात सुनी थी कि उन्होंने ना उड़ाई वाला कबूतर पट्टी वालों की तरह उड़ाए थे, ठीक है, कि एक प्लेयर होता है उसको पता होता है क्या करना, जो जगह इलाका सबसे पहले तो जहाँ पे लगड़नी है, आपको पहले भी बताया है, अब बैठे हुए हैं, वरना पिपला में ऐसे कबूतर फिरे एक दिन में 4-5 उठ जाए, हो सकता है सारे उठा लगड़, अच्छा इलाके का होता है जिस तरह खौफ नहीं होता कबूतर को, अच्छा ठीक है, ये कबूतर सामने भी साल और अकेली जगह पे उड़ रहे हैं ना, जुट बना देते हैं, जगह तो है, कबूतर इधर है नहीं, अकेली जगह है, अच्छा ठीक है, वो कबूतर जो और छोटे छोटे कुड्डे हैं, ठीक है, उसमें रहना जब कुछ चीज इकट्ठी रहती है वो आपस में कर लेते हैं, अच्छा वो बच्चे देख रहे हैं, वो ऊपर जो बैठे अच्छा, वो जोड़े आपस में लगे हुए, वो देख लो जरा, वो देखो बच्चे आपस में जोड़े लगे हुए, वो देख लो, अच्छा वो आपके सामने ऊपर गुटकारे डाल रहे हैं, अभी दिखाते हैं आपको ये किसी साइड पे, अच्छा मेरा, अच्छा अगर आप कहें तो वो कबूतर मंगवाए नीचे जो ऊपर बैठे,
हाँ उनको शक्ल तो देखनी है ना, लोगों को दिखाना भी है। अच्छा मुझे ये आपकी पिक्चर गलत हो गई, निकल सकता है इधर आ जाए इधर। आप तो कहते थे कि ऐसे ही आते हैं। नहीं नहीं, सारा कुछ इसी तरह आया है, लेकिन अच्छा। टेम्परेचर की वजह से अंदर जो मटेरियल था ना, अच्छा। वो हबस बनी है ना, अच्छा। जैसे वो हीट हुआ है, मैदा खुश्क हुआ है, अगर थोड़ी सी वाली बात थोड़ी सी हवा चली होती ना, थोड़ी सी हवा, अच्छा, तो ये फिर रहा। अब मैं आपको बताता हूँ शाहजी, अच्छा, जो मैं समझ रहा हूँ काट के साफ थोड़े से अंडर प्रेशर हो गए थे। अच्छा, जो मैं कबूतरबाजी के असूल से समझ रहा हूँ ना, कि अतः के मैंने इससे बड़ी बातें भी की है, मैंने इसको कहा कि आप प्रेशर में नहीं खेले, ये प्रेशर में खेला है। अच्छा, जब प्रेशर होता है ना किसी गेम का, उसमें वो प्लेयर काम या ज्यादा करता है, बच्चे फिर होते हैं ना गेम कर देते खराब, जो हकीकत होती है ये बात होती है। अच्छा, प्रेशर में खेलना हर बंदे का काम। एक दफा आपने पहले भी मेरे ऊपर टैंकी खत्म हो गई तो चार की टैंकी फुल है, टैंकी का इशू नहीं है, टैंकी फुल है, जो असल में हीट बनी है ना टेम्परेचर ऊपर बना है, अच्छा, हवा हबस बनी है टैंकी में, जो मटेरियल था ना वो हीट, उस वजह से हीट बनी है और बैठ गया उन्होंने। अच्छा, आगे ये पहले भी इसी तरह ही आते थे और फिर ऊपर चले जाते थे, मुझे तो पता था नहीं शाम को बैठना। अच्छा, ये फिर आते थे और फिर ऊपर चले जाते, ठंडी हवा बोली जिस तरह ये हवा चली है, ये ठंडे हो जाएंगे, ठंडे हो जाते थे, इनको एसी लग जाएगा। ये जो अब चार है ना, हाँ, ये साथ अगर ये कबूतर हमारे नॉलेज के मुताबिक दो बजे क्रॉस कर दो बजे तो ये भी नहीं बैठते, नहीं बैठ। जो बैठ गए हैं ये भी नहीं बैठते, जो इनके अंदर थोड़ा सा नमी के अंदर थी ना, नमी के अंदर चले जाते तो फिर रात, ये इन्होंने वो फ्यूम्स आते हैं ना नमी वाले। जी इधर आ जाए, ऐनक तो दूर से बहुत अच्छी लग रही है, मैं बड़ा रिलैक्स हो के पट्ठा नंदल के लग गया कंत्री वाला ते अपना और केड़ा वदा ना ये 3 महीने से इसी जगह से कबूतर उड़ रहे हैं, कंत्री वाला और उड़ कर ना कबूतर एक जस्ट स्टाइल बनाकर रख दाना पानी, जो साजी बात कर रहे हैं ना, साजी बात कर रहे हैं, उनकी बात बड़ी है, ऐसे भेजने वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, इंशाल्लाह चौथे बच्चे की बात मैंने कहा था, 3 बच्चे मेरे रात को बैठे। अच्छा, ये बात मैं बिल्कुल छोटी के साथ, मुर्गे तेरे को असील किन्ने किन्ने हैं, फैसला हो जाए ना पहले मुर्गे असील किन्ने हैं, ठीक है। एक बात हो गई, ये आप ये बात पहले मैं भी कर चुका हूँ, क्यों मौसम का था आपने ये है ना, 2 बजे के बाद क्रॉस कर जाए तो शाजी मुर्गा ला दे, शाजी बात लग गई। अच्छा, शाजी बात मेरी हो गई, अगर शाम 3 कबूतर ना बैठे मगरब के बाद, मर्जी का मोर मिट्टू भाई पकड़ लेगा मेरे खुडे से, अगर 3 कबूतर मेरे रात को बैठ गए, मैं जाके मर्जी का कबूतर पकड़ लूंगा, पकड़ नहीं पकड़ नहीं पकड़ नहीं। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं ना वो बड़ी संजीदा बात है कि 2 अगर ये क्रॉस कर गए तो ये शाम को चले गए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इनके अंदर जो रिहायश है ना, ये हीट थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, आप ये रिहायश 2 बजे के बाद नमी चल जाएगी तो फिर ये रिहायश हजम कर जाएगी, चलना शुरू हो जाएगा, तो ये बिल्कुल खाली पेट हो जाएंगे, फिर नहीं बैठे उत्तर बैठे हैं, उनकी तबीयत तो देखना। मैंने कहा है कि इनको ट्रेनिंग टोटल मुकम्मल पट्टी वालों की है। अच्छा, कबूतर बिल्कुल प्योर हैं, हाई फ्लाइयर हैं। अच्छा, और दाना पानी वो समझ, जी जी, ट्रेनिंग और दाना पानी, जी दाना पानी, यही हमारा भी यही मकसद था कि सबसे पहले हमने ये कबूतर कितने ऊंचे हो गए, सामने खड़े सर, जो बैठा ना काफी ऊंचे हो गए, पहले जरा दिखाएं जरा, आप आए अब एक भाई दादा करेंगे, चलिए बैठे हैं, इतना भी नहीं है, कबूतर जो है ना 1 बजे के बाद कबूतर सब शो हो जाते हैं सामने, 1 बजे के बाद जो कबूतर उड़ते हैं ना, 1-2 कबूतर सारे आ जाते हैं सामने, ठीक है, आ जाते हैं चले जाते हैं, आपको पता है चमक अब पहली दफा छोड़ के आए नीचे। अच्छा, आपके सामने की बात को मैं थोड़ा, एक के बाद आए ऊपर से चार्जेस, ठीक है, फिर ये नीचे ऊपर हो रहे हैं, नीचे ऊपर, कभी नीचे आ जाते हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं, नहीं ला रहे आपको पहले बताया था, कुछ नहीं ला रहे, थोड़ा सा हेलो,
कोई मामला आ गया टैंकी खोला है लेकिन अंदर पानी खत्म कुछ अच्छा तो मैं अभी कहता हूं आप मोरे दिखाएंगे पाँच दिन की दो चार इधर आज पांचवी हाँ जी कबूतर पूरा दिखाएं पहले उसके बाद आग दिखानी है ये देखें जी सर आप इधर ये पंजे ये बंदे बैठ जाए उधर जो मैंने आपसे बात की थी ना अच्छा ये खुश हो गया खुश हो गया दूसरा बच्चा दिखा ये बहन भाई है दोनों हसन शौक कराने में मास्टर है दोनों बहन भाई हैं हाँ जी बोले उस्मान साहब आप मेरे पास हाँ जी पहला बच्चा कौन सा दिखाया हाँ जी हाँ जी पहला पहला बच्चा कौन सा था जो उधर दिखाया था वो ये वाला जी उस्मान इसको इसको ओके कर यही है मोर क्रॉस करो एक मिनट में ना मुझे अब तो ठीक हो गया ठीक हो गया मैंने भी दिखाओ जरा देखिए बाकी लोग सारे बैठ रहे जी यही अंदाज है और मुंसिफ साहब इसे क्लियर कर रहे हैं जी पहला बच्चा हम क्लियर करते हुए जी और अब ये दूसरा ये बच्चा देखे आप कराएंगे आपकी तरफ से ओके की आवाज आनी है ये उस्ताद आप जोड़े के घर का बच्चा है अच्छा जोड़ा घर है पिपला वालों में से ये बच्चा आपको भी दिखाया था मेरे को पूरा मेनू पूरी क्लियर कर दिया तीन मोर लगी है सात एक दो आगे तीन चार तुझे पांच ठीक है दो ये इनके नाखून है देखें जी ये अभी थोड़ी है नहीं ये इसको नहीं इधर छोड़ते जाओ इसको इधर छोड़ते जाओ दिखाए वो चार थल्ले ने दिखाए दो बात ये कि इन बच्चों ने एक दरवाजा सी दी है किधर से लोगों ने कहा ये क्या हो गया है तो माजरा तो माल जेड़ी गल मैं की थी कबूतर तो होना रहस्य है ये निकाल के देखो ना भाई जरा ऐ चेक करो निकाल के दोनों में सब में इसी वजह से कूद बिट्टू भाई अच्छा ये कर लीजिए जो कल की थी ये कोई है ना बिल्कुल सही बात अच्छा ये देखिए जी देखिए कोई बंदा ये पट्टी वाले मैंने उड़ाया नहीं है मैं आज पहली दफा मैं आपके पास आया बार बार उसकी विजिट आई तो मैंने बताया कि गुलाम खान है बच्चा कबूतरा लाख है जो ये हमेशा करते हैं आज हीट थी मेशफ भट्टी साहब को लेने अगर ये थोड़े ऊपर बादशाह लाख जी जी बिल्कुल ऊपर क्योंकि नमी पूरी है जी सर जी बात पता क्या है ये रिहायशर भाई बात तो हम निकाल कर दिखाते हैं पहले बात को चैंपियन पंजाब लाग नहीं रहा ठीक है उसने एक प्रवाद ऐसी दी है 92 घंटे का आपको पता है परसों का मौसम कैसा था ठीक है उसमें उसने 92 घंटे कुछ बना के एक रिकॉर्ड बनाया जिसमें लोग सारे मुतासर हो गए क्या हो गया क्या हो गया ठीक है उससे पहले भी तीन आज भी किसी ने नहीं कहना आज भी बैठ गए तो आज ने भी किसी ने नहीं कहना ये मसला हुआ है अगर कल वाली प्रवाद उसकी उमदा आई है ना उस पे लोगों ने ये बातें की लोगों ने तो काम की वो एक हरीफ साहब है जो इनकी इनका 125 या लगा हुआ बाकी उन्होंने आगे बातें की टूर्नामेंट के सदर भी खड़े हैं उनके इलाके के और एक सबसे पहले छोड़ो उनको दिखाओ पहले वीडियो बनाए हमने ये अभी बनानी है अभी रिहायश निकालते हैं मुझे पानी लगा दो नीम गर्म मैं निकाल लेता हूँ मैं इधर जेनुअन जो है ना जेनुअन कबूतर है ठीक है इनमें कोई ऐसा बात नहीं है और आप देख सकते अगर ये पट्टी वाले अभी हम चाह रहे हो कि इसकी दिन में वीडियो हमने बनानी है बिल्कुल शादी हमने आपको और चमक में खड़े पहले आप जो इधर हैं आपने ये फैसला करना है आया ये कबूतर पट्टी वाले हैं या नहीं है नहीं कोई पट्टी वाले हाँ ठीक है ना जब आप इनकी शबात और शक्ल से नजर नहीं आते तो उसके बाद फिर आपकी आगे कोई बात चलेगी लोगों का जो शकूक शबात है सर मैंने आपसे सवाल किया
के सवाल इस वक्त जो हुआ हुआ है वो इनकी उड़ान के ऊपर हुआ हुआ है। सिर्फ जो हम लोगों का जो परसेप्शन आई है ना, देखे जो लोगों की परसेप्शन आई है हम वो बात कर रहे हैं, उस परसेप्शन को दूर करने की भी कोई देखे, जब प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो कोई बात करेंगे ना। देखो मिक्स हमें नहीं करना चाहिए, कबूतर ढांगी वाले ये नहीं है, अब आ गई है इनकी उड़ान, उससे ये शुभा हो रहा है कि भी ये बाकी जो लोग देख रहे हैं वो कबूतरों की शक्ल शबाज को नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं कि इनकी उड़ान का स्टाइल दूसरा है जो रूटीन से हट कर। शायद चिन्योट में और फैसलाबाद में ना पट्टी वाले कबूतर दो अलाउ थे, आज से ना अभी भी उड़ रहे हैं, ठीक है वहाँ पे कबूतर अलाउ है पट्टी वाले दो फैसलाबाद में भी उड़ने और दो चिन्योट में भी, और काली पीली यहाँ काली पीली यहाँ ओरिजिनल पट्टी वाले उड़ा सकते हैं, वो कबूतर ऐसे कहते हैं कि वो कबूतर बंद रहते हैं तो पट्टी वाले ये काफी कबूतरों के साथ बंद रहते हैं, इनके साथ झुंड में निकल के ट्रेनिंग हो गई कबूतर होते हैं, कबूतर जो अकेली छत्ते हैं, ठीक है आप देख सकते हैं कि इन कबूतरों में आपको ये कबूतर लगते हैं पट्टी वाले कहीं से? नहीं नहीं ये नहीं ना, देखे अभी इनकी वीडियो भी बनाते हैं, ये इनकी कोई शबाह पट्टियों वाली नहीं, पट्टी वाले कबूतरों की नहीं है, ठीक है इनकी परवाज में प्रॉब्लम आई लोगों का कमाल होता है सर, मेरा नहीं मेरा इतराज नहीं है, नहीं मुझे पता है ये एक इतराज है पब्लिकली, ये इतराज है कमेटी ने कही ऐसा क्यों, और फिर हमने देखा हमने सारे हम क्यों लाइव हुए जैसे हुए तो आप लोगों ने भी कहा कि लाइव हो जाओ, हम लाइव हो गए एक लोग पलटवा के वो भी सामने जरूरी तो नहीं है ये दोनों सेंटर वाले जो बैठे हैं ये बहन भाई हैं, वो जो फ्रंट में बैठा है ये आबिद जौड़े वाला है। तो इस वक्त जी हम उसका गुलाम हुसैन काठिया की छत पे मौजूद है, दो चार बच्चों के बैठ गए हैं। लाख बच्चे दे मां बाप दा शौक करा दे कराइए जनाब, इना दो जे बहन भाई इना दा करा दे कि कैसे दा करा दे जो चाहिए, ये सेंटर वाले जो बैठे हैं ये नईम पट्टी साहब जो लाहौर वाले हैं उनके कबूतर है डैडी आप लेके आए थे जी जी, है डैडी जो है जी हां इने दो सेंटर वाले जी हां बहन भाई हैं दोनों, इनका दोनों बहन भाई जब मैं 100 चैंपियन बना था उस वक्त भी उड़ रहे थे। हां जी ठीक है ओके हवा चल पड़ी अब नहीं बैठेंगे। अच्छा आप नहीं बैठेंगे ये नहीं। अब वो चारों कबूतर इधर ही हैं, एक हसन हसन एक अच्छी सी वीडियो तो बनाए, हाँ वीडियो बना के सेंड करें, इनकी बनाए इनकी वीडियो बनाए, दोस्तों हम आपके साथ लाइव ही हैं, ये मनाजर आपको दिखाते रहेंगे, अभी एक पलटाने का जो अमल है वो भी आपको पलटाने वाला जिसकी वजह से ये जैसे हदस्य हुई जिसकी वजह से ये फोटा गर्म कर गया तो ये जल्दी हो गया, वरना ये भी संभाल लेता हूँ मैं संभाल लेता हूँ। जी दोस्तों ये मनाजर अच्छा देखें बाहर, उम्र एक एक मंजर दिखाए बाहर का और देखें कितने ऊंचे हैं ये दूसरे भी चार ने फिर रहे हैं। उमर भाई नीचे हो ना इधर बात सुन। अच्छा आप मुझे ये बताएं अब करें बात, एक कबूतर एक बजे से पहले नीचे नहीं आए
बोल के बताया नहीं, एक बजे से नीचे नहीं है, एक बजे नीचे है, एक 31 पे चार बैठ गए आधे घंटे में, ये चार कबूतर बैठ नीचे आए जब नीचे आए आधे घंटे में चार कबूतर यानी एक दफा आके ऊपर गया फिर उसी तीन दफा हुआ है यार वो नीचे नीचे ऊपर नीचे ऊपर हो गए आधे घंटे के अंदर ही बैठे है ना बैठ गए बिल्कुल बैठ गए बिल्कुल बैठ अब देखना ये कि जो कबूतर आ जा कर रहे हैं दिन करते हैं शाम करते हैं हाँ अब ये देखे ना ये तजस्सुस तो है ना क्योंकि मुझे कबूतर चाहिए ना तो ये बताया आप पंजाब कमेटी है कि जो आपने कानून बनाया है पट्टी वाले कबूतर के लिए जो भी बनाया है जो कबूतर भी हमने देखे हैं उनकी शबाहत पट्टी वाले पहली चीज मैंने आपको दिन में भी बताया था कि हॉट इश्यू बना हुआ है उनकी उड़ान उनकी उड़ान बनी थी और वो कमेटी ने नहीं बनाया वो आपने नहीं बनाया वो मैंने बनाया वो एक ओपिनियन जनरेट हुई कुछ वीडियो वायरल हुई और इनके उड़ान के तरीके कार पर इतराज हो गया ठीक हो गया जिसके लिए कमेटी ने पाबंद किया मुझे और मैं इधर आ गया आप लोगों के पास ठीक है आप लोगों ने भी जहमत की आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी बुखार में भी आप यहाँ पे आ गए मैं सुबह 8:30 बजे के करीब यहाँ पर 8:30 बजे के करीब मैं यहाँ पे पहुँच गया और मकसद यही था कि जी जो इस वक्त इतना ज़्यादा एक शो बन गया हुआ है उसको हम आप मेरी तरफ रखें चारा जी नहीं हो रहा क्यों पता नहीं करंट नहीं आ रहे क्यों नहीं वो देखिए लीड तो नहीं हिल गई वो लगा रहे हैं लीड चेंज कर रहे हैं लीड के बगैर काम ही नहीं होता हो गया देखें और लगा दे दोबारा आ गया चलो चुप रहे अगर बड़ी की बहस जी दोस्तों अच्छा बात हो रही थी क्योंकि हम आए क्योंकि बिग इशू बिल्कुल ठीक है मैं आ रहा था मैंने इनको बताया कि मुझे सुबह सुबह ये आपकी जिम्मेदारी है नहीं सुबह सुबह कॉल आ गई कहाँ से कॉल आई अमेरिका से ठीक है फिर उन्होंने अगली रिक्वेस्ट की उन्होंने कहा सर सही करके सोए नहीं क्योंकि रात का टाइम मैं कहा जी मैं नहीं मैंने उन्हें बताया कि मैं टेबल नहीं उन्होंने कहा जी आप फिर एक मिनट हमारा ग्रुप ज्वाइन वो मैंने उनका ग्रुप ज्वाइन किया कॉल यानी उन्होंने ऑडियो कॉल की देखते ही देखते 20-25 लोगों ने उसको ज्वाइन किया सब ने सवारा तीनों एक वो छाड़ कर मैंने फिर उनका क्या पूछे पहली चीज ये है कि मैं इस वक्त ट्रेवल कर और मैं शो कोर्ट की तरफ जा रहा हूँ हर एक दिन में यही था कि ये ऐसे क्यों हो रहे हैं काबली ऐसे नहीं होते ठीक है एक जनरल ओपिनियन हम लोग यहाँ पर फिर यही इनके बैठे बैठे फोन आ गए फिर आपके सामने अहमद कमर साहब का फोन आ गया यानी फूलों का एक तांता बना हुआ है ऑल ओवर पाकिस्तान अब आ गए अब आ गए आपने दो सवाल किए मैंने उसको पहले सवाल का आपका कैटेगोरीली जवाब दिए दिया कि जो कबूतर पट्टी वाले नजर नहीं आए उनकी शबाहत पट्टी वाले नजर नहीं आए ठीक है एक साइड हो गई अब आ गया दूसरा इनका इशू है दूसरा इशू ये आ गया कि ये ऐसे क्यों हो रहा है ठीक है हमने पट्टी वाले उस्ताद भी बुला लिया साथ बैठा लिया राम साहब आप भी हसन भाई जी हमने कहा कि जी इसलिए आज से जरा मुनफरद एक्सपीरियंस है कि काबियों में इस तरह का नहीं देखने में आता देखने में नहीं है पट्टी वाले साहब उस्ताद कहाँ गए उस्ताद आए मैं दी उनको बुलाएं जी बुलाएं इस वक्त ये इम्पोर्टेंट चीज इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जो लोगों के जेन भी क्लियर कर सकती है और इस इशू उनको इधर आप उधर आ जाओ इधर बैठे वैसे ना जी आप इधर आ जाए आज आ जाए आप इस दौरान बात को जब आगे बढ़ाएंगे बहुत सारे दावे हो गए मैंने कहा जी शाम करेंगे मेरे साथ ने कहा लगता मुझे शाम करेंगे आपने कहा नहीं करेंगे ऐसा ही हजर भाई ने कहा मुझे भी 50-50 मामला ही लग रहा है ठीक है पट्टी वाले हमारे उस्ताद ने कहा कि जी अगर ये दो तक क्रॉस कर जाते तो फिर ये शाम ही को जाएंगे अब अगली बात हम दोबारा आपसे सोचना चाह रहे हैं ये कबूतर बैठ गए आपने कबूतरों को देख लिया आपने क्या जाना साहब
सर मैंने उधर पहले ही आपको बताया है कि इन कबूतर जो ये कबूतर बैठ गए हैं ना इनके अंदर रिहाइश मौजूद है। अच्छा। मैंने उड़ाए तो नहीं है ये। अच्छा। वैसे ही मेरा एक्सपीरियंस था कि इनके अंदर रिहाइश लाजमी मौजूद है जो ये बैठ गए हैं। अच्छा। तो मैंने आपको एक कबूतर पकड़वा कर वो अमजद भाई से मैंने अपनी चाह से मंगवाया है तो एक कबूतर आपके आगे किया है। आपको ये भी कहा है कि इसके अंदर जो भी रिहाइश है मैं निकाल कर दिखाता हूँ आपको। वो आपने तस्लीम किया है कि इसके अंदर बिल्कुल रिहाइश मौजूद है। मेजर साहब ने भी तस्लीम किया। वो मैं तो चाहता था कि आपके सामने इधर कैमरे के सामने मैं खुद रिहाइश इधर सवाल फिर मैं घूम के वहीं आ गया। जी जी, ये ऐसे क्यों हो रहे हैं? इनकी ट्रेनिंग जो है ना ये मुकम्मल जो पट्टी वालों की इधर शोर कोट वाले देते हैं ना ट्रेनिंग, इनको पता है कि ये पट्टी वाले को ऐसे ट्रेन करते हैं, ऐसे इनको मारते हैं, ऐसे इनको डराते हैं। अच्छा। ऐसे इनको रिहाइश देते हैं और इतना इतना सीसी पानी, ये 25-25 सीसी पानी लेकर कोई पंजाब का प्लेयर ये नहीं मानेगा कि भाई फ्लायर 25 सीसी कबूतर पानी जजब कर गया। अच्छा। ये मेरे ख्याल के मुताबिक मियां साहब उड़ाते हैं तो इनसे पूछो ये 20 सीसी या 25 सीसी पानी लेकर देनी हो। मियां साहब को सारे प्यारी ना पूछो। अच्छा नहीं, मेरा सवाल मैं आपने कहा डराते हैं तो क्या यहाँ पे भी डराया जा रहा है? ये फिरतों में नहीं शाह साहब, ये फिरतों में ट्रेनिंग देते हैं। ये जो अपना लो फ्लायर वाले हैं ना ये भी बाजियों के दौरान नहीं डराते, ये फिरतों में ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि इनका ये सिस्टम चलता है। अच्छा एक और सवाल है जी, पट्टी वालों के मुतालिक बहुत सुना हुआ है, सुना भी है देखा भी हुआ है। ये शाह जी एक कमेंट्स आया है। हाँ जी भाई, कह रहे हैं भाई सीधी बात है कि छत मालिक से कहें कि आप हलफ दे दें। अच्छा। हलफ इस चीज का देना है कि इनमें करास है, आपने खुद दिया या नहीं, या जहाँ से आपने ये बच्चे लेके आए हैं क्या उन्होंने करास दिया है या नहीं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और मेरे ख्याल में इस सवाल के बाद सारी पेशगोईयां खत्म हो जाती हैं। अगर ये सवाल क्लियर हो जाए ना, अगर आपकी बात सर अगर गुलाम हुसैन काठिया साहब इस चीज का हलफ दे दें कि इनके बच्चों में पट्टी वाला करास या इन्होंने खुद दिया या जहाँ से ये कबूतर लेके आए हैं या इनके नॉलेज के मुताबिक है, तो ये अगर इस हलफ के थ्रू देखें तो हसन भाई देखें ये हुआ है, जो हमारा पेपर है वो देखें। कबूतरबाजी बहुत मामूली चीज है जी। इंसान का ईमान सबसे जहाँ भी इंसान का जमीर मुतमिन ना ना हो वो चीज छोड़ देनी चाहिए, ठीक है ना। तो हसन भाई मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हलफ वाली बात कर रहे हैं ना, इसमें क्रास वाला कबूतर उड़ाएगा ना जानबूझकर, उसको पता हो कि ये क्रास वाला, उस पर अल्लाह का कहर नाजिल होगा। ये जो पेपर हमने दिया हुआ है ना यार, बात सुनो यार, उसके यार इन, हुआ वैसे में बात करो, इन, इन, इन जो इन, इन इन बच्चों के माँ बाप भी ले हैं, लोग ये भी कमेंट्स कर रहे हैं कि जी माँ बाप का भी शौक लोगों को आ रहे हैं, लोगों को बात अभी 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 बिल्कुल बात सुने मेरी, ये लोग तो ये जो पट्टी वाले फ्रेंड है ना मेरी बात उतरने देना, ऊपर वाले सारे उतरने देना। अबर भाई बात सुनो, बात सुनो, ये जो पट्टी वाला खाता है ना कि जिधर अच्छे उड़ जाते हैं वो पट्टी वाले बन जाते हैं, ठीक है। जय मेरे 24 मई को बाजियां जीत की, जो 11 पट्टी वाले जो मर्जी पा जो पी लेते 11 वाला मेरे साथ बाजी लगाओ, पंजाब उड़ा है जिसका मर्जी करता, पट्टी वाले मेरे तरफ से अलाउ हाई फ्लायर के जैसे बाजी पे पर लगा, जैसे मर्जी हाई फ्लायर का कानून होगा जिस तरह उड़ाई वाले उड़ाते हैं पंजाब का, मेरे 11 कबूतर उड़ाए पट्टी वाले, पी लक्ष्य उड़ाए कहां लक्ष्य उड़ाए बाजी, ये कौन सी बात है पंजाब में कोई हाई फ्लायर के कानून के मुताबिक पट्टी वाले सारे पट्टी वाले 11 के 11 पट्टी वाले। अच्छा बात को आगे बढ़ाते हुए जो आप हल्फ वाली बात कर रहे हैं जी, वो मैं सिर्फ उसमें ये अर्ज करना चाह रहा था कि मैं इस वक्त वो हल्फ देने का पाबंदी ये नहीं होगा कि मुझे भेजा गया, यानी मुझे जो बात ना आप जज हैं ना हम जज हैं, 406 बंदा लाइव देख रहा है। हाँ ठीक है, अब देखिए लोगों के माइंड में तरह तरह की बातें आ रही हैं कि पाकिस्तान पिजन वाला कह रहे हैं जी आप ऐसे ड्रामा लगा रहे हैं, पट्टी वाले नहीं है तो आप ऐसे क्यों नहीं उड़ाते। यार देखिए अपना अपना तरीकेकारी है, यहाँ पे आपने देखा है, आपने माहौल देखा है, यहाँ पे एक तो लगड़ भी नहीं है और ये अकेली छत है, ठीक है ना, तो ये हर कमेंट का आप जवाब देने से ना हर कमेंट का जवाब देने से प्रेस बाकी छात्र मालिक है, बाकी छात्र मालिक है, आप उससे पट्टी वाले उड़ा ले हमारे साथ टोटली 11 के 11 पट्टी वाले, मैं अपने कबूतर उड़ाऊंगा, ठीक है।
जिस तरह पंजाब की सुबह के उसने हलफ दिया छोटी बात है, जिस छत में कबूतर उड़ जाए ना रिकॉर्ड बन जाए, तीन दिन किसी को पता नहीं चला ये पट्टी वाले किसी, क्योंकि उनका रिकॉर्ड को नहीं बना। आप उन्होंने चौथी बार पंजाब का नया रिकॉर्ड बनाया, आप उनपे लगे इल्जाम आ गए पट्टी वाले। अच्छा पिछले साल चौधरी आसम गुजर साहब सियालकोट लड़के कोई बच्चा बंद नहीं हुआ, और सब ने कहा कि ये जो बच्चे हैं ना आप भी बीच में थे, चौधरी मीनवा साहब भी था और आशिक हुसैन भी बीच में थे, उन्होंने कहा इनका दाना पानी तो ये बोया खा रहे कबूतर, इनका दाना पानी नहीं हो सकता, ये बात गलत होती है। किसी अच्छा ग्रेड कर रहा है। वो हलफ दे रहा बंदा, वो कह रहा है कि मैं मेरी बात सुनो, उसका पंजाब में सब ने भाई सुनी, उसने कहा कि अगर मैंने पट्टी वाला क्रॉस कराया हो, मैंने पट्टी वाला कबूतर रोजे में, तो यार तो मुसलमानों की भी हद होती है, और मुझे तो ये बात उसकी पसंद भी नहीं गई, ऐसी बात कैसे भी नहीं गई। अच्छा दूसरा ये एक और बात है भाई, जो बंदा चीट करेगा गलत बयानी करेगा इसका मकसद अल्लाह को धोखा देना, अपने आप को धोखा देना, वो आदमी कभी चैंपियन नहीं बन सकता, ना उसका चेक होता यार। वो कुछ चैंपियन पंजाब थोड़ी लग रहा था, और वो जीत भी नहीं सकता, सवाल अच्छी की है, सवाल अच्छी की है, उसने पंजाब रिकॉर्ड बेस्ट कर दिया, और लोगों के चेक करे, लोगों के साथ साथ बच्चे निकले मिठू भाई, ये भी ऐसी बात क्यों नहीं है कि निकले नहीं रहते। हाँ जी सैयद तुरान अदर शाह साहब, इधर मैंने तकरीबन 3 साल हुए हैं एक छत छोड़ी है पट्टी वालों की, ये अभी तस्करा भाई कर रहे थे, इधर भाई भी मौजूद है, तो उसमें ना 2 हाई फ्लायर मौजूद थे, तो वो हाई फ्लायर कैसे उड़ते थे पट्टी वाले? हाँ भाई काका कैसे उड़ते थे? सारे वो पट्टी वालों की तरह उड़ते थे, प्योर हाई फ्लायर थे, ट्रेनिंग में इतना फर्क होता है। दूसरा ये, और ये जो शाह साहब ये जो आप हलफ की बात कर रहे हैं ना, ये जब हम पेपर देकर जाते हैं ना, तो ये हमने लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, क्रास वाला कबूतर उड़ाएं या सालसी में बेईमानी करेंगे तो हम पर अल्लाह पाक का कहर नाजिल होगा। हलफनामा तो मौजूद है, ये पहले जिला जो टूर्नामेंट गुलाम हसन साहब उड़ा रहे हैं इसमें ये हलफ पहले इन्होंने दिया है, ये हलफनामा है, और यकीन करें ये भी कहा जो बंदा हमें हलफ दे दे ना कि हम ठीक उड़ रहे हैं, बेशक हमारी जो कानून जो पंजाब कानून ने ठीक है ना, उसमें कोई पाबंदी नहीं रखती, और कोई किसी ने कहा कितनी लिमिट पे कबूतर चला रहा है, मंदिर का मामला बना था, चौधरी मीनवा साहब ने कहा कि कोई उनसे लिमिट है, हमने कहा सारे कबूतर सामने फिर दे, और हमने उस आप कानून में वाजह कर दे कि अगली बार जो है ना मैं कबूतर की सतह पे उड़ाना है, अगर ये कबूतर इस सतह पे उड़े तो ये चेयरमैन कानून में तब्दीली है, अगले साल कानून में ये कबूतर नहीं उड़ सकता, अगले साल आप जो कानून लिखेंगे उसके मुताबिक जो नहीं उड़ेगा। पिछले साल ये सेम आसिम की कहानी थी, सफदर कोटला चैंपियन बना, उस पर इल्जाम लग गया कि उसके पट्टी वाले हैं, वो सखावत भुट्टो चैंपियन लगा उसके पीछे इल्जाम लग गया जी, उसके पट्टी वाले आप नहीं, अलादित्य ब्लोच चैंपियन लगा उसके पीछे इल्जाम लग गया, हाँ उसके बच्चे भी बंद नहीं जाते थे, ये बात भी हकीकत है, ठीक है। आपने मुझसे भी पूछा, मैंने कहा शाह जी ये बात जान, मैंने कबूतर अपना बंद नहीं गए लेकिन कबूतर उनके जैनवर प्रवास करते रहे, ऐसी बात है। अच्छा वो भी उनमें लग गया यार बाजे की जो कानून बनाना है, या तो ये बनाए कि सारे बंद करने हैं, ठीक है, या जब ये कानून ही नहीं आया पट्टी के दाने पानी पे बैन लगा दे, पट्टी वाला दाना पानी इस्तेमाल करके अगर आप लोगों में ये है हिम्मत आप लगा दे ट्रेनिंग पे और भाई जब कबूतर पट्टी के बाद बंद कर रहे हैं कि या तो देख के मैं तो इधर आ ही आया, तो मैंने सिर्फ 15 मिनट का विजिट किया, चला गया, मैंने तो बता दी 2 बजे के बाद ये कबूतर को ही बैठे, और दूसरा ये कबूतर देखो टोली में थे साथ में बैठे, इसमें से जो कबूतरों के रियायत थी वो टूट के बैठ गए, जो बाकी थे वो हवाई नहीं उड़ा उठाता रियायत, वो मैं भी उड़ाता, जो भी कबूतरबाजी करता हूँ मैं भी इसी तरीके सेम करता हूँ, मैं भी पानी भी ज्यादा देता हूँ, हाई फ्लाई आ रहा है मेरा, तो मेरे पास भी क्या हो रहा है, बड़ी को इंशाल्लाह शाम को बैठा है, ऐसी बात नहीं करना चाहिए, नहीं वो पकड़ लेना है अपना, एक हलफ दे रहा है, ठीक है, उसके बाद भी बात, जो टेम्परेचर है ना वो आएगा शाह साहब नीचे, तो ये खुद ब खुद शाम को आप लोग कहते हैं कि हलफ हलफ नहीं लेना चाहिए, अगर हलफ नहीं लेना चाहिए लिखा हुआ क्यों, सर रुक जाए रुक जाए जी, आपकी बात हलफ वाली बिल्कुल हो, ठीक हो, मैं ये कह रहा हूँ ये काम है कमेटी का, ठीक है, मुझे उन्होंने नुमाइंदा बना के भेजा, मैं आ गया, उन्होंने कहा अभी ये आपने ये क्यों कहा भाईजान,
कि टेम्परेचर नीचे आता जाएगा, इनकी परवाज बढ़ती जाएगी। तो गर्मियों में इसका मतलब क्योंकि टेम्परेचर ऊपर जाता जाएगा, ये नीचे आते जाएंगे। हम अपने हिसाब से देंगे। अच्छा दोस्तों, ये इनके माँ बाप हो जाए, इनके माँ बाप लेके आओ, फिर जो ऊपर वाले चाह रहे हैं उनके कुकुरती एक मिनट से पता गल की है। एक गल इस टाइम इंटरनेशनल लेवल से हाईलाइट है, असी सारे बैठे हैं भाई जान, मैं सब जी ने तुसा नंदा नंदा मां बाप हर फन मां बाप भी खाना है, और हल्फन अगर इना जी कोई करा से तो हल्फन इत सारे भाई मैं ने हल्फन लेके सो मेरे को तरह तरह चार चार बंदे पूछता भाई जी को बस सही तुसा जो को गल बात को आंदे ना इथे बैठ के सारे जान दे ना शाह साहब ने फोन कर ले असल शादी की बात ऑन है। शादी ये कहते हैं कबूतरों के बनावट देखने में कोई क्रास नहीं का स्टाइल है उनका, सिर्फ जो लोगों का शक है मैं उसके लिए आया भाई। उमर भाई ये ज्यादा लंबी बात नहीं, 2023 की बात है, वीडियो मेरे पास मौजूद है। आप लोग कहते हैं आसिम गुज्जर की छत पे, उसके भी बच्चों की उड़ान सेम यही थी, वो टोली में उठते थे कच्चे, तो उसने अपने बच्चों को जो ट्रेनिंग दी है या दाना पानी उनका है, अगर वो आसिम गुज्जर ट्रेनिंग दे सकता तो ये भी काठिया भी दे सकता है, हांजी सर इधर इधर उठे 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 इधर हल गया हिल गया के चल रहा है चार आज हिल जाएंगे चल रहा है चलन दे आप अक्सर छत्तों को फोन करेंगे ना उनके बच्चे आठ के आठ साल के जो छत्ते हैं सात बच्चे छह बच्चे आठ अक्सर जो कबूतर रात को बैठते हैं वो रात को नहीं निकल के आते, वो कबूतर दो ढाई बजे सारे सामने आ जाते हैं ठीक बात समझ रहे, वो भी आ जाते हैं सामने नीचे ऊपर करते रहते हैं ठीक है। मगर कुछ कबूतर इलाके का बाइज होता है, जगह का डिसाइड होता है, दाना पानी का मसले मसाइल होते हैं ठीक है। अब यही दाना पानी जेठ में आएगा ये खराब हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा, बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। इसी तरीके से आप उड़ाएंगे बात कर रहा हूँ, ये जो लग गए हैं कबूतर उसमें ये हूँ या काटिए के हूँ या हाजी रशीद को जिस भाई के भी हूँ ना, वो जो लग गए हैं वो रिहायश पे भी चले गए, दूसरा मंगा लो, लेकिन ये नहीं है रिहायश देकर ये गए हैं अच्छा दूसरा ये है 3 घंटे में फारे कर जाएंगे 2 घंटे में हो सकता है कितने घंटे में ये फारे कर यार खामोशी क्या करो खामोशी बिल्कुल बड़ी पानी तो चलता है बिल्कुल भी नहीं ज्यादा उड़न के देते हैं वो इसलिए मौसम के हिसाब से कबूतरों की बर्बादी होती है मौसमों के हिसाब से ठीक है। और जो कबूतर आपको पता जिस तरह असू में या विशाख में या चेतर में बैठते ना रातों को शेर पे वो है ना उठते दूसरा और है जी शेर होता है सर्कस में कैसे मालिक से उसको घुमाते हैं शेर को वो भी तो ट्रेनिंग है ना वो तो जंगल का बादशाह है वो बंदे को क्यों नहीं खा जाता बिल्कुल भाई परसों किया क्या आप ट्रेनिंग क्या करते हैं उसका दाना पानी क्या करते परसों मैंने विजन किया सख्त सवाल आ जाना है सख्त सवाल आ जाना एक सवाल सख्त सवाल आ जाएंगे कि ये यही ट्रेनिंग फिर लोग पूछ रहे हैं मैं नहीं पूछ रहा ठीक है तराब हैदर नकवी नहीं पूछ रहा यही पूछ रहे हैं कि फिर यही ट्रेनिंग आपकी छतों पर जेठ में या क्यों नहीं आप करते जा रहे हैं लोग बहुत तब्दीली आती जा रही है में क्या कहते आप कहते कि हम ये कबूतर नीचे कर ले सुबह शुरू ही नीचे कर ले देखिए सर नहीं आप जवाब दिया ना आपने लेकिन कुछ लॉजिक नहीं जेठ में मेरी बात सुने जेठ में हमारा पहली पोजीशन ये होती है कि हमारे 10 मिनट में कबूतर इतनी गहराई करे शाम ये जवाब दे लोगों को यही मैं आपसे बात शाम को निकले लेकिन आप अपनी लॉजिक से जो बात कर रहे हैं ना मैंने सवाल किया बजाय वो सख्त सवाल था पर आपने उसको
सही इंटरप्रिटेट किया शाहजी, जेठ में जितना भी बहादुर कबूतर हो ना, अपना 42-43 का टेम्परेचर हो ना, तो उस सामने रह जाए कबूतर, नहीं लंबे होते खराब हो जाएंगे। ठीक है, ये हर मौसम की कबूतरबाजी होती है, हर मौसम की कबूतरबाजी है, बिल्कुल अलग कबूतरबाजी है। ठीक है, और इस इलाके का जो सबसे ज्यादा एडवांटेज है, और ये मैं आपको कह रहा हूँ, यही कबूतर पिपला में उठे तो ये किसी खाते में नहीं आ सकते, उसपे एक लगड़ बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आदमी को लगड़ का अटैक देखा है, अटैक देखा आपका, चमक में बच्चे फिर रहे, कोई लगड़ अटैक नहीं कर रहा, आदड़ में आए, कोई लगड़ आए, किसने अटैक किया, ये तो खुदा की तरफ से इनको जो है ना, ये गिफ्टेड है, लगड़ नहीं है यहाँ पे। हसन भाई, चौकी परवाज में मैंने विजिट किया, इधर छत है, साथ ही है मखदूम नईम अब्बास शाह साहब, तो उसका कबूतर एक उतरा हुआ था, जब मैं गया विजिट किया तो मैंने देखा वो सबके सामने वापसी पे पलटाई कर रहा था। कौन करता है आजकल के मौसम में, वो कर रहा था, मैं देख इधर लाइव पे आकर बता रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने उसने वापसी पे पलटाई की। वो तो हर बंदे का एक टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर है ना 40 तक, जी जी, इसमें 40 तक, 40-42 तक भी चले जाते हैं, जब टेम्परेचर जाता है ना 42 से ऊपर। असल जी साहब, कानून वो बनना चाहिए जिस पट्टी वाला रौला पवे ही ना, ठीक है ना, तय बनी है ना, जो कानून पंजाब का है ना, उस कबूतर एक नंबर है, ठीक है, कोई डाउट फॉर कबूतर नहीं, ना पंजाब ने लिखा हुआ कि कबूतर किस तरह से फिर कबूतर बने, अगर ये होगा एक क्यों एंट्रिया करा दे, ना तो पता है कबूतर सामने फिर कानून के मुताबिक हमें और मालिक को पूछा जाना चाहिए। कैसे ट्रस्ट करेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, कमेटी बनी हुई है, आपकी बात बजाय ये फ्रॉड है, ये आपकी बात ठीक है, आपने जितनी डिबेट करवाई है, जनरेट कराई है, हो गए ठीक, ठीक है, ना डराओ ना डराओ। तो वो हम आपको कराने जा रहे हैं, देखा है आपने, छत देखी है, कबूतर देखे हैं, और साथ साथ हर आदमी को दिखाया है, ऑल ओवर पाकिस्तान दिखाया है, सऊदी अरब दिखाया है, यूएई में दिखाया है, फॉरेन जो कंट्रीज है उनको दिखाया है। हमें इस बात की खुशी है कि जो आपको जिम्मेदारी मिली आपने उसको उसी तरीके से पूरा करना है, और लोग ताकि वो जरूरी भी है, ताकि लोगों के दिलों में जो सवालात हैं, ताकि वो जो जन्म ले रहे हैं शुक्र शुमात है वो खत्म करें। चलो एक बात की शुक्र अदा करें कि लोगों ने ये कहा है कि कबूतर पट्टी वाले, ये नहीं कहा कि कबूतर उड़े नहीं है, छोड़े गए हैं, बड़ा मुश्किल बैठे हुए हैं। असल में ना जिस तरह वो कहते हैं ना दलबान वाले, आप इतने अब ये कबूतर करेंगे तो आप नजर आ रहे हैं या नहीं, चपक भी चले गए, बहुत बारीकी में चलेंगे, एक दफा शायद आपने जरूर देख ले, सुबह सुबह आ गए ये दूध का दूध पानी का पानी, ये भी बेचारे मासूम है, ये जेड़े 200-300-500 जोड़ा रखते ना, होते इस मानो खड़े से भी नहीं उठते। ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਧਰ ਕਾਂ ਕਬੂਤਰ ਲਗਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪੇ ਵੀ ਕਰ ਉਨਕਾ ਬੇ ਸਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਵੀ ਲਿਆ दो नंबर जोड़ा कटो जन दो बैठे पहले एक उसका बच्चा भी लिया नहीं उसका बच्चा भी लिया गुलाम हुसैन साहब गुलाम हुसैन साहब तुम एक दो मिनट इतने आ जाओ और जो मेरी बात सुने जो बात मैं कर रहा हूँ रोजे के साथ हलफ के साथ कर रहा हूँ और जो मैंने सुबह भी बाइस किया उसके बाद बनता तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं हलफ के साथ बात कर रहा हूँ और ये कबूतर नईम भट्टी साहब लाहौर के उनसे मैं 2016 के एंड में मैं लाया था चार जोड़े लाया था उनसे ये उनके मतलब है ये उसका बेटा है मेरे पास इसकी जो दो शौक जी जी शौक है
ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੇ ਦੋ ਇਹ ਜੀ ਕਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜੋ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਲੇ ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਉਨਕੇ ਭਾਈ ਵੀ ਆਏ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਉਨਕਾ ਅੱਛਾ ਦੋ ਇਸਕੇ ਉੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉੜ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਆਏ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕਸੂਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ये काटी साहब हलफ पे बात कर रहे हैं जी जो दिखा रहे हैं आपको ये बच्चे इस जोड़े के जी ये दो और जो असम में चैंपियन बना हूं मैं ये भी दिखा तोबा गोजरा सुमंदरी और उसमें दो बहन भाई इसके थे एक पूरा जोड़ा दिखाना जेड़ा ना ये मैं माज दिखाता हूं माज दिखाएं ये टेडी बच्चे ये दो बच्चे हैं जो इस टेडी बच्चे मां बाप आप देख शाह जी इधर गौर करो सर मैं इधर थोड़े वाल गौर कर रहे हैं देखो और ये मादी मेरे पास 2000 जब मैंने स्टार्ट किया था शौक की पहली मादी मेरे पास आई थी ये वाली ये मादी ये 2000 ये 2016 में एक और उसके बाद ये अली वाला क्रॉस ये नहीं भट्टी साहब से वो ले नहीं भट्टी साहब से इसकी माँ है ये बाप है इधर दिखाओ ये दो बहन भाई और जब से ये जोड़ा मेरे पास है तब से इनके बच्चे हर काम में आते हैं हर काम में भाई जो भी सुन रहे हैं सर ये बात गौर करें ये बात पे असर ना कर रहा जिस तरह तालिबान वालों को कहते हैं ना कि आप खुद का शबला करें आपको हुरे मिलेंगी ठीक है उसी बात पे आ रहे अब इल्जाम लगा तो आप सारे ये ना सोचे ठीक है ना कि पट्टी वाले पर देखें भी देख कर बात करें ठीक है तो ये जनाब उसका माँ बाप काटी साहब ने जो हलफ भी दिया है काटी साहब कहते हैं सुबह 22 तो मैंने की थी उसके बाद बनता नहीं था मेरा लेकिन फिर भी मैंने तो मैं रोजे के साथ अल्लाह के साथ बात कर रहा हूं तो मेरे ये घर के ज्यादा नहीं और हम दोबारा कोई इनमें नहीं घर के हैं मगर इनमें कोई करा कोई राय मेरे ये तो ये है मेरे खुड्डे में भी अगर कोई पट्टी वाला कोई सफेद कबूतर हो तो उसको भी सफेद के अलावा कोई पट्टी वाला करा पट्टी वाला मेरे खुड्डे में कभी मैंने इंटर भी किया मतलब वैसे एक दिन बंदा रख लेता है मैं तो छात्र में इंटरव्यू नहीं होता कोई देखो एक बंदा मुसलमान रोजे हलफ दे देता है उस तो बाद अगर असि यकीन नहीं करते उम्र तरह तरह भाई है जी ये दो नंबर बच्चे ये दो नंबर ये मादी का नंबर चेक कर लें उसको डाला होगा ठीक है उमर भाई इन्होंने पाक पंजाब में पहला रिकॉर्ड बनाया 7 बजे के बाद 7 बच्चे बैठे हैं ठीक है उस रिकॉर्ड ने तो अंधेरा होगा तो जाहिर है चलो अल्लाह पाक सब अच्छा दोस्तों ये आप अगर आपने देख लिया है तो फिर ठीक है ये मादी है वो ना ये ये भाई साहब देखें ये टेडी कबूतर है ये अली वाली कबूतरी है जी ये पट्टी वाले नहीं है तो फिर अब इस पे हम तो कुछ नहीं कर सकते ठीक है सर सवाल लोगों अब लोगों को गलत एक बंदा दे रहा है ठीक है लोग नहीं उड़ रहे चलो लोग जो उड़ रहे उनका फर्क बनता है बाकी दो स्वभाव है हमारे सारे न्यू भाई हैं तो उनको भी देखना चाहिए ये बच्चा इसका माँ बाप जी ये अच्छा इसकी थोड़ी सी ये मैं बताता हूँ ये मादी थी मैंने एक जैन जाट का उस वक्त मैं फैसलाबाद मंडी में बैठा था जैन जाट का सर वो राना इम्तियाज के कुछ फौत हो गया वो इम्तियाज नहीं वो और थे पुलिस में थे और मतलब 2 साल पहले एक्सपायर हो गए तो वहां से मैंने मेरे पास फोटो आ थी मैं सीधा वहां से उसकी मैंने नंबर लिया जैन से मैं उधर गया वहां से उसने मुझे जोड़ा दिया उनासी इस बच्चे का माँ बाप अच्छा इसकी माँ 79 वाली है और इसका जो बाप है वो ये मियां शफकत भट्टी पिंडी भटिया वाले उनसे मैं नार लाया था दो जोड़ा उन्हें मुझे दिया था इसका भाई 5 साल मैं बाजी में उड़ाता रहा हूँ इसके पर खराब हो गए थे इसको मैंने रोक लिया था ये पर खराब इसके पर खराब हो गए थे इसको मैंने रोक लिया था और उसकी ये पट्टी और इसकी 3 महीने मैंने जोड़ों में लगाई है क्योंकि ये इतनी अच्छी उड़ी है इसकी 3 महीने मैंने जोड़ों में लगा दी है इसकी माँ टैडी थी वो बड़ा नार उसका बेटा इसका जो बड़ा नारा ना मियां शफकत खुद मियां शफकत ने मुझे खुद दिया था वो ऊपर उड़ रहा है अच्छा इसका कौन सा बच्चा था शफकत जो पहले बच्चे टैडी देखे आपने जो पहले जो देखे टैडी दोनों टैडी ये शफकत भट्टी साहब से काटी साहब कह रहे हैं कबूतर लाया हूं तो ये जो लाख बच्चा उड़ा ये मेरी मां की ये मां बाहर वाले कबूतर भी दे रहे हैं हमारे ये खड़ा है साले साहब आप बाहर आ जाओ साहब मादी दे
ये इसकी माँ 79 वाली बिल्कुल और बाप टैडी है ये जी माँ है उस बच्चे की ये भी देख ली थी ये जो पट्टी जी 79 वाली माँ और बाप टैडी उसका भाई है इसका भाई का बेटा बेटी है ये जो जो टैडी मैंने लिखा है उसका भाई ये मादी है जी देख ले आप सारे ये 79 वाली ठीक है और ये जो बातें हो रही है वो हलफ पे कर रहा है छत मालिक हलफ पे बात कर रहा है बाकी हम सब मुसलमान है तो बाकी जो माने ना माने बात होनी नहीं चाहिए थी जितना ये क्रिएट हो गया सिर्फ ये कि कबूतर बहुत ज्यादा रिकॉर्ड बना रहे हैं मिथिला नहीं अंदर अच्छा बाकी बैठा है हसन ऊपर क्या कमजोर था लेकिन आए ऊपर ही कमजोर ये नारवादी जो है ये जो हसन ये स्लेटी कबूतरी पिपला वाला जो इसका बच्चा मिला है ये दोनों बच्चे आबिद जोड़ा की तरफ से आए हैं दोनों जोड़ा आबिद जोड़े की तरफ से आया हुआ है इसका बच्चा बोल रहा है ये दोनों पहले भी ये नंबर भी आबिद जोड़े के लगे हुए हैं ये मादी है ये नंबर भी उसी के लगे हुए हैं नंबर भी उसी के लगे हुए हैं जो गड्डियां लगी ये बच्चा जी ये बच्चा उड़ा है ये वर्षा तो ये इसका माँ बाप है ये आबिद जोड़ा आप कितना उसकी तरफ से ये काठी साहब कह रहे हैं जी नंबर भी उसी के डले और ये हमने कहा था जोड़ा ऐसे लगा रहने ये जब पिछले दफा आए थे हमने आपने कहा ये लगा रहने ये कहा था स्लेटी कबूतर पसंद आया ये खान साहब ने अमीर मुख्तार खान साहब को भी दिखाया तो उसने कहा कि ये ऐसे ये अच्छा लगा रहने हां लगा रहने तो अब जी दोस्तों देख सकते हो आप बच्चा भी और मां बाप भी देख सकते हो ये अनमोल कबूतरों में से है स्लेटी कबूतरी है जी ये बहुत कमाल की कबूतरी है पिछली दफा आए थे बहुत पसंद की थी सबने अमीर मुख्तार साहब भी थे ये किधर है जी ठीक है और ये इनका बच्चा है चलता है ये देखें ये इनका बच्चा है और जो समझने वाले बंदे वो तो शक्ल से भी समझ रहे हैं कि यार ये जो भी है ठीक है ये देखें ये पंजे देखिए बाप के और बेटे के माँ के पंजे भी देखिए ठीक है बाप और बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है ना वो कबूतरों का बता देता है बाप भी उसी के अपना अब ये बात चार बच्चे कोई बच्चे बैठता नहीं है ना नहीं मैं मेरे घर में मेरे खुड्डे में कबूतर बैठ हुए नहीं है अच्छा जी कोई बच्चा बैठता नहीं है जैसे चार बच्चे बैठे हैं उनके माँ बाप का भी शौक हो गया है और बच्चों का भी शौक हो गया अब जैसे ऊपर वाले चार बैठेंगे उस बच्चों का और उनके माँ बाप का वो भी आपको शौक करवाया जाएगा ठीक है उमर साहब देसी और बाहर अब खाना करके कबूतर दे अपना इसकी टांगे खोली थी बैठना था लेकिन सारे तीन बैठ गए अब किधर अभी वो ऊपर नहीं वो तो बारीक चले वो बहुत बारीकी में उड़े गए एक बजे कबूतर नीचे आए टावर पे आए उसमें से चार बैठ गए ठीक है ऐसी बात है बाकी बड़ी बैठ कर बाकी फिर चमक में गए आते थे चले जाते थे ठीक है ना आकर दो दफा आए तीसरी दफा वो चमक में अब चले गए ठीक है बात ये कि सुनने में बातें और होती है देखने में और हाँ ठीक है उड़ते इकट्ठे हैं ठीक है ना अब इधर देखो अब कोई जगह ही नहीं है कबूतर जो पट्टी वाला कबूतर हो उसकी बड़े बड़े अच्छे कबूतर होते आपको पट्टी वाले देख रहे हो बीच में उस्ताद हो किसी से पूछें कभी भी कबूतर घर के ऊपर नहीं फिरता पट्टी वाला क्यों कहते हैं पटे मारते हैं पट्टी वाले राज ये पटे मारते हैं कोई कबूतर पटा नहीं मारता जुद बना के दाना पानी सामने फिरने वाला बाकी गाड़ा ना जी दुनिया कब चुप रहती है कहने को रहती है नहीं अगर कोई अल्लाह ना करे अगर ये गलत भी होते इंशाल्लाह हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये गलत है आपके आने की जरूरत भी ना होती उधर ही से आपको कह देते जी हमने कबूतर काट दिया खत्म कर देखो हमने क्योंकि अपने अपने ईमान पे फैसला करना है मेरे साहब
जो नहीं होना था वो ये था कि हलफ जो काठी साहब ने सुबह एक तो व्हाट्सएप ग्रुपों में हलफ दिया है काठी साहब ने, जो कि अच्छी चीज नहीं है, अच्छी चीज नहीं। शौक में रमजान का महीना है, एक बंदा रोजे में मुसलमान जो है ना हलफ दे रहा है कबूतरों की खातिर जी, ये सफाई दे रहा है जी कि मेरे पट्टी वाले ये क्रॉस नहीं है। वैसे ये हमारे लिए शर्म की बात है, मुझे हमने ये लोगों ने जो ग्रुपों में आता मचाई हुई है, ये अगला बंदा कोई गलत हल्फ ना ले ले उसका गुनाह भी तो हमें मिल रहा है जिनके लिए ले रहे। बिल्कुल सही बात, वैसे ये शर्म की बात है जो ये हलफ वाला हमने शादी मुल्तान में हल्फ बंद कर दिया, खत्म कर दिया, मगर ताकि जो गुनाहगार ना हो जाए। ये इतना बड़ी चीज है हल्फ देना, क्योंकि एक बंदे ने हल्फ दिया था वो आज तक सीधा नहीं हुआ। आपको मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ये चार पांच साल पहले की बात है, आपको अगर बात करूंगा आपको बड़ा लिखा बंदा है। इशारा से मुझे साफ की बात है, तो बहरहाल हम गुफ्तगू देखे ये सारी, अब मैं इसको समअप करता हूँ ताकि दूसरा ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। फिर अगले सेशन में आएंगे और एक नए अंदाज से आएंगे, ठीक है ना। अभी दो घंटे का वक्फा करके फिर ऐसा चलेंगे जो अफ्तारी तक, मतलब बस अफ्तारी करके बिठाने नहीं ने बिठाने नहीं ने हो दीदी पक्के नहीं वो देसी के नहीं, काठिया साहब ने तो लॉटरी लग गई है। मैंने कह रहे थे मैं कबूतर रोड चाह के आना है ना। अच्छा नहीं देखे गुफ्तगू को समप करते हैं, समप इस तरह करते हैं कि हमें आप भी आए हम भी आए। पर्पज ये था, पर्पज ये था कि इस छत को देखना, इसके शौक के हवाले से देखना। अभी मेरी वहां पे म्यूनसिपल से भी बात हुई थी, उन्होंने मैंने पूछे, उन्होंने कहा जी क्या जी हम तो सी दसो। मैं कहा यार कबूतर ने तो इतराज है ही नहीं। सही बात कहते थानू साडी सानू थोड़ी गल समझ आ गई स्टाइल ते इतराज है स्टाइल ते ठीक है स्टाइल और स्टाइल ते सी फिर बहस की ताकि लोगों के ज़हन च जिहड़े सवाल तो पैदा हो गए ने उन्होंने किन्ने हद तक उन्होंने जवाब मिले। मैं उम्मीद है कि कई सवालों के जवाब उन्होंने मिले होंगे और कुछ कमेटी भी देख रही होगी और कमेटी यकीनन अपनी फाइटिंग करेगी हर लिहाज न करेगी, ठीक है। कमेटी ने मैनू भी किया, मैंने हूँ ही फोन आया, मैं कह जी इंशाला मैं उसे मौजूद हाँ, कहते सारे कबूतर बिठाओ। मैं कह जी सारे कबूतर बिठा गई हूँ, फिर कबूतर बह भी गए असा मगर दबा दी। दोस्तों ये आप लोग देख रहे हैं, आप लोग साथ भी दे रहे हैं और आप लोगों के बहुत सारे सवालात भी हैं, कुछ सवालात रह गए हैं इंशाल्लाह वो अगले सेशन में लेके आएंगे। आज तो उमर दराज ने एक रिकॉर्ड व्यूज भी नहीं इतनी देर की लॉन्ग ट्रांसमिशन चला दी है और वो भरपूर अंदाज से भरपूर। हाँ जी चाची देखें आप भी बातें करें फिर ये बंद करें फिर उसके बाद मुतर बैठेंगे तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद बात करेंगे। जो आपका कानून है उसके तहत एक मुतर जो आपके कानून के तहत कबूतर आते हैं और उसमें कोई रेंज भी नहीं लिखी हुई पेपर पे, अगर रेंज लिखी होती तो शायद ये टूर्नामेंट ना उड़ाते, क्योंकि इनको पता था हमारे कबूतर चमक में जाते हैं तो कुछ से ज्यादा नहीं ट्रेनिंग है ट्रेनिंग है ठीक है। और चेतक में ऐसे ही कबूतर बचते हैं जो गहराइयों में कबूतर जाते हैं ना हल्का सा बादल कबूतर दिखते हैं, देखो कितने कितने लोगों को कबूतर गए ये इसलिए कबूतर बचते हैं, ठीक है। आसम कौन चैंपियन हुआ है अपना उसके भी एक एक मिनट में बैठते रहे सारे उसके भी झुंड बना के उड़ते रहे टोली उसमें पट्टी वाला जहाँ फुल लगा रहा है बड़ी बात हुई है, क्योंकि जो एक दफा जितना है ना उसको पहले कूड़ा गंदा जरूर करना है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ जो पट्टी वाले है ना जो पट्टी वाले पंजाब में ये कहते हैं पट्टी वाले उड़ा रहा हम मैं कबूतर उड़ाता हूँ 2024 में वो मेरे साथ 11 पीले के बाद कोई पैमाना नहीं कोई मसला नहीं, ठीक है कानून होना चाहिए। 5 बजे बल्ला होगा
ठीक है, मैं उड़ाने के लिए तैयार हूँ, ले पट्टी वाले में उड़ाता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, देखते हैं। हाँ बिल्कुल, पंजाब में उड़ाए, ये ना कह के मैं यहाँ जो है गिलगित बैठ के उड़ा रहा हूँ, पंजाब में पट्टी वाले उनको सारा पता होता है, वो जानती होती है। ऐसे हमारे 5 बजे का पल्ला होगा, पट्टी वाले पंजाब में भी है, बड़े हैं, अपने शौक है, उनका शौक हमारे दोनों से। एक और भी पैकेज हम देंगे, हम आधा घंटा वो जो ढोल बाजे वाला सिस्टम नीचे बजाते हैं ना, मतलब वो शोर शराबा, वो भी हम 15 से 20 मिनट का पैकेज दे देंगे, उस टाइम में आप वो शोर शराबा भी कर लें, अगर चला के आप कबूतर उड़ाना चाहें 10 बजे तक कर सकते हैं, सुबह 10 बजे तक कर ले जो है ना शोर शराबा करके सुबह। कबूतर पट्टी वाले हमने भी देखे हुए हैं, मैं शेख हुसैन के शॉप से कबूतर देखता हूँ, जब आते हैं ना उनके कलर, अगर कोई मसला हो तो मुझे बताना, कबूतर होते हैं कैमरे का रुख ऊपर करें, लोगों की तरफ मनाजिर दिखाएं, वो मुनसिब बैठे हुए हैं, मुनसिब की राय लें कि जी कितने कबूतर नजर आ रहे हैं और किस साइड पे। और